दानव की सबसे अलग कहानी। रामायण के इस दानव की सबसे अलग कहानी। विराट काया विशाल माया निद्रा का वो स्वामी। कुंभकर्ण सम्राट रावण आपसे जल्दी मिलना चाहते हैं। मेरे पास ऐसी खबर आई है। हाँ, वो तो तुमने मुझे बता ही दिया है। लंकाधिपति रावण की जय हो। भैया, आपने मुझे इतने शीघ्र क्यों बुलाया है? मेरे छोटे भाई, मैं और छोटा। मुझे पता है तुम दैत्य की तरह बड़े हो और शक्तिशाली भी हो, फिर भी मेरे छोटे भाई ही हो। मुझे पता है भाई, आप मुझे अच्छे लगते हो। चलो अब काम की बातें करते हैं। मैंने तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है। ये देवता जरा कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे रहे हैं। तुम्हें तकलीफ देते हैं? असंभव, तुम तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो। अब तक तो हूँ, ये देवता मेरी शक्ति कम करने पर तुले हुए हैं। ये कैसे संभव है? दंडकारण्य में वह तप कर रहे हैं और इस कारण वो मुझ पर विजय पा सकते हैं, इसलिए उनकी तपस्या भंग करना जरूरी है। ओ, पर इस तप से उन्हें क्या हासिल होगा? कुंभकर्ण, तुम भले ही राज घराने में पले हो, पर तुम्हारी बुद्धि तो पहले जैसे ही है। भैया, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं हमेशा अपने दिमाग से काम लेता हूँ। बंधु, अगर उनका यह तप पूरा हो गया तो देवताओं को बहुत सी शक्तियाँ मिलेगी और बाद में उनको हराना बड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। इसलिए तुम उनकी तपश्चर्या को रोक दो, जल्दी ही दंडकारण्य में जाकर उन्हें ऐसी तकलीफ दो ताकि वो जल्द ही तप छोड़कर भाग जाए। समझ गए? हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे ऐसे कार्य बहुत पसंद है। जंगल की शांति को भंग कर रहे हो? मैं कुंभकर्ण हूँ,
सम्राट रावण का छोटा भाई, मैं तुम्हारी तपस्या भंग करने आया हूँ। मूर्ख दानव, हम ये रोकेंगे ये तुमने सोचा ही कैसे? तुम्हें ये तपस्या रोकनी ही होगी। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा संकट है? हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारा छल हो रहा है प्रभु, हमारे तप में बाधाएं आ रही है प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु। मुझे बताओ किसने की ये हिम्मत? कुंभकर्ण, रावण का भाई। लंकाधिपति रावण? हाँ देवराज, वही राक्षस। फिर तुम लोग भाग कर क्यों आए? हमें तो शांति चाहिए, और हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत शक्तिशाली है, और केवल आप ही उसे हरा सकते हैं। उसमें हजारों हाथियों का बल है देवराज, हजारों हाथियों का बल। जिसने भी ये अपराध किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं खुद देवराज इंद्र उसे सजा दूंगा, जरूर सजा दूंगा। देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो। विभीषण, अपने छोटे बंधु की भूख कुछ ज्यादा ही है। ज्यादा? बहुत ही ज्यादा है। वो तो हमेशा ही भूखा रहता है। सौभाग्य से तो वो राज घराने में पैदा हुआ है। भैया बहुत हो गया मजाक, आपने तप करने वाले ऋषियों पर हमला क्यों करवाया? विभीषण, अगर उनकी तपश्चर्या पूरी हो जाती तो आने वाले संकट के बारे में कुछ पता है तुम्हें? कुंभकर्ण ने बहुत अच्छा काम किया है। मगर हम उनके साथ शत्रुओं सा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि देवता हमारे शत्रु है बंधु। तुमने सच कहा कुंभकर्ण। अब हमें इंद्र का मुकाबला करना पड़ेगा। इंद्र? इंद्र तो हमारे छोटे भाई के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे छोटा मत समझो, समझे? हाँ। देवताओं के राजा इंद्र की शक्ति को कम मत समझो। तुम तो कुंभकर्ण की शक्ति को कम समझ रहे हो। अरे मेरी शक्ति भी उसके आगे कुछ नहीं है, उसे कोई नहीं हरा सकता। देवताओं के आगे बड़े बड़े शक्तिशाली वीर भी पराजित हो जाते हैं। बहुत हो चुका विभीषण, बहुत हो चुका। मुझे तुम्हारी सलाह की जरा भी जरूरत नहीं है। इस विजय के समय मुझे तकलीफ मत दो। कुंभकर्ण, ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो कुंभकर्ण। अरे ये क्या कर रहे हो कुंभकर्ण? भाई छोड़ दो। बचपना क्यों कर रहे हो? महाराज, महाराज, इंद्र अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर लंका पर हमला करने आ रहा है, और उसकी सेना सागर किनारे पहुंच गई है। हमारी सेना को युद्ध के लिए आदेश दो। भैया, आप तो मेरी ताकत की बहुत तारीफ करते थे, फिर सेना को क्यों बुला रहे हो? अरे मैं हूँ ना।
कुंभकर्ण, यही समय है तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने का। मैं कुंभकर्ण की पराक्रम पर बहुत खुश हूँ। जाओ स्वागत की तैयारी करो। आपने उनकी भाग दौड़ देखी होती, डूबते हुए जहाज से जैसे चूहे भागते हैं। जाओ उस वीर के स्वागत की तैयारी करो और देखो तैयारी हुई है या नहीं। क्यों नहीं महाराज। स्वागत है तुम्हारा बंधु। इंद्र भाग गया भैया, वो अब लंका की तरफ देखेगा भी नहीं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें इसका पुरस्कार मिलेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें फिर से भूख लगी है? हाँ, इस युद्ध के कारण मुझे बहुत भूख लगी है। खाना मंगवाओ। उसके पहुंचने से पहले उसका पसंदीदा खाना तैयार करो, समझे तुम? हाँ, पर जल्दी करो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा, किस बारे में? कुंभकर्ण ने देवताओं को और इंद्र को पराजित किया है, मगर वो इसका बदला लेने का प्रयास जरूर करेंगे, इसलिए हमें देवताओं से सावधान रहना चाहिए। वो क्या कर लेंगे? कुंभकर्ण मेरे साथ हो तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। मैं तुमसे सहमत हूँ, मगर उन्हें भी कम नहीं समझना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? लंका के प्रजाजनों के हित के लिए हमें तपश्चर्या करनी पड़ेगी और ब्रह्मदेव से वरदान पाना होगा।
ताकि हमें कोई भी हरा न सके, तभी हम अजेय हो गए। इसका मतलब मैं त्रिलोक का स्वामी बनूंगा। ये तुम ब्रह्मा जी से ही पूछो। तुम सच कह रहे हो, अगर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो कुछ भी असंभव नहीं है। पर तुम कुंभकर्ण से विनती करो कि वो भी तप करे, इससे हम सबको फल प्राप्त होगा। मैं उसे ऐसे करने की आज्ञा दूंगा। वह शायद तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए उसे काफी दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। हाँ, इतने दिन भूखा रहना पड़ेगा? अरे तुम पागल तो नहीं हुए हो? हमें ये करना पड़ेगा, इससे हमें त्रिलोक का स्वामी बनने की ताकत मिलेगी। मैं बलशाली हूँ, मुझे और शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तुम और विभीषण जाके वो तप करो, मुझे इसमें मत घसीटो। ओह, बेवकूफ जैसे मत बको। अरे वरदान पाकर हम हमारा लक्ष्य पा सकते हैं। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? मुझे तप करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे भूखा मरना नहीं है, समझे आप? मुझे भूखा मरना नहीं है। हाँ, कुंभकर्ण, बेवकूफों जैसी बात मत करो। अरे वाह रे वाह, मैं युद्ध जीता तो वीर, और मैं सच बात बोला तो मैं मूर्ख। ओह, अपने पास समय बहुत कम है, चलो तब शुरू करते हैं। ये जरूर वो विभीषण की चाल होगी, वो मुझ पर हमेशा चिढ़ता रहता है। उसी ने तुम्हें ब्रह्मदेव की कपोल कथा बताई होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, ब्रह्मदेव तुम्हें कभी वरदान नहीं देंगे। मगर ब्रह्मदेव द्वारा वरदान देने की बहुत सारी कथाएं हैं। केवल कथाएं ही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं तुम्हें विनती करता हूँ कि इस विभीषण की कथाओं पर विश्वास मत रखो, ये बेकार की कथाएं सुनाने में होशियार है। जो बताया वो चुपचाप मान लो। बंधु बंधु, मैंने तुम्हें एक बार डूबने से बचाया था, ना बचाता तो शायद वही अच्छा होता था। कुंभकर्ण, व्यर्थ बातें बंद करो और हमारे साथ तपस्या के लिए चलो। इससे अच्छा तो मैं ब्रह्मदेव को पकड़ कर लाता हूँ, फिर तुम उन्हें जो चाहे वरदान मांगो। ऐसे असंभव बातें मत करो। हाँ, मगर भूखा रहकर मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा हमें बिना वजह ही लगता है। मेरे मन में हमेशा खाने के विचार आते हैं। ये मेरी आज्ञा है, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। तुम लोगों की तपश्चर्या जब तक पूरी नहीं होती तब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, मगर इसमें मुझे तुम मत घसीटो। कुंभकर्ण! हाँ ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण। आइए नारद जी, आपका स्वागत है। आज ऐसे अचानक ऐसा लग रहा है आप अच्छा समय व्यतीत कर रहे हो, कुंभकर्ण से बुरी तरह पराजित होने के बाद भी। ओ, सब मैं भूल जाना चाहता हूँ, फिर से ओ मत दोहराओ। देवराज, शीघ्र ही रावण और उसके भाई नृत्य का आनंद उठाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं? ओह, सच? नारायण नारायण, आप इतने अज्ञात कैसे हो सकते हो देवराज? कई दिनों से वह लोग घोर तपस्या कर रहे हैं और शीघ्र ही ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने वाले हैं। देवराज, क्या आप पुरानी बातें भूल गए हो? ब्रह्मा जी ने कई अन्य राक्षसों को वरदान दिया था और तुम्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध देवलोक छोड़ के भागना पड़ा था। ब्रह्मदेव सब पर प्रसन्न होते हैं और मेरा जीना मुश्किल कर देते हैं। देवराज, अब आप तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप घोर संकट में आ जाओगे। तो मैं क्या करूँ? अब ये भी मैं ही बताऊँ,
देवराज देवताओं को भेजकर उनकी तपस्या भंग कर दो। ये बिल्कुल अच्छा विचार है। वरुण, अग्नि, वायु, आप सब जाकर उनकी तपस्या रोक दो। मैं पहले जाऊंगा, अगर मुझसे ना हो सके तो दूसरों को भेजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, जल्दी जाओ, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अहो भाग्य, अब अंत में इन लोगों को समझ में आया। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ओ सफल रहा। क्षमा करे, वो अपने ध्यान में मग्न है। इसके लिए हमें ही कुछ तरकीब निकालनी होगी। हम ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। क्या? क्योंकि ब्रह्मदेव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें हम विनती कर सकते हैं कि वे असुरों को वर ना दे। हाँ, यही एक आखिरी रास्ता हमारे पास है। अब मैं क्या करूँ, मुझे ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी, वही मेरी मदद करेंगे। भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। इंद्र, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? क्या कोई जरूरी काम है? मुझे मेरे राजपाट के काम से आपको मिलने का समय ही नहीं मिलता। फिर आज कैसे आना हुआ? ब्रह्मदेव जी रावण और उसके छोटे भाई तप कर रहे हैं और वे आपसे वरदान पाना चाहते हैं। देवराज, मैं उनकी भक्ति पर प्रसन्न हूँ। अगर वो तप कर रहे हैं तो उन्हें वरदान देना ही होगा। अगर आपने उनको यानी खास कर कुंभकर्ण को जो चाहे वरदान दिया तो देवलोक का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं उन्हें वरदान देने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वे योग्य भक्ति भाव से तप कर रहे हैं। उनकी एकाग्रता को कोई भी भंग नहीं कर सका। मुझे उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही पड़ेगा। लेकिन देवताओं का तो कुछ सोचिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, धर्म पालन के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। कम से कम कुंभकर्ण को तो छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो उस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ। उसका आहार ज्यादा होते हुए भी वह कितने दिनों से भूखा रहकर तप कर रहा है, मुझे उसकी इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ेगी। ओह, फिर हम क्या करें? ओम ब्रह्मदेवाय, ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। हम भी आपके दर्शन पाकर धन्य हुए प्रभु। आपके दर्शन पाकर मेरी आंखें भर आई प्रभु। ओ, अब जागने के बाद मुझे बड़ी भूख लगी है।
तुम्हारे भूखे रहने के दिन अब समाप्त हो गए हैं। मैं अब तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूंगा। अब हम तुम्हारे बड़े भाई से शुरू करते हैं। बोलो रावण, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं सम्राटों का सम्राट बनना चाहता हूँ। मुझे तीनों लोक का स्वामी बना दीजिए प्रभु, मेरी यही इच्छा है और इसके लिए मुझे आप शक्ति प्रदान करें। तथास्तु, तुम तीनों लोकों के स्वामी बनोगे। नारायण नारायण। स्वागत है नारद मुनि, यहाँ कैसे आना हुआ? सारे देवता बहुत गंभीर समस्या में आपकी मदद चाहते हैं। अब क्या किया ब्रह्मा जी ने? वे रावण, विभीषण और कुंभकर्ण को वर देने जा रहे हैं। आपको तो उनके स्वभाव के बारे में पता ही है, कोई भी उनकी तपस्या करे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वो कुंभकर्ण को वरदान दे देते हैं तो देवलोग उसके आक्रमण की गर्मी से पिघल जाएंगे। मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ, लेकिन वे कुंभकर्ण पर भी प्रसन्न हैं। भविष्य में आने वाले संकट के मुक्ति के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मगर मैं क्या करूँ, ब्रह्मा जी और उनके भक्तों के बीच में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सब प्राणियों का बोलना आप ही तय करती हो माते। अगर आप कुंभकर्ण की इच्छा में भी बदल कर दे तो हम देवलोक की बड़ी मदद होगी माते आपसे। ये तो बहुत अच्छी कल्पना है, मैं ये सहज कर सकती हूँ। कुंभकर्ण, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी इच्छा बताओ, मैं वह अवश्य पूरी करूंगा। मुझे हमेशा सोना ही अच्छा लगता है। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान दया करो, कुछ भी करके यह वरदान वापस ले लो। रावण, एक बार दिया हुआ वरदान मैं वापस नहीं ले सकता। मगर प्रभु, वो अगर हमेशा सोता ही रहेगा तो उसके शत्रु उसे मार डालेंगे। उस पर दया करिएगा प्रभु। मैं तुम्हारी विनती स्वीकार करता हूँ। वो 6 महीनों में एक ही दिन जाग सकेगा। धन्यवाद प्रभु। मगर रावण, एक बात याद रखना, अगर उसे नींद से जगाया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ओह, लगता है वरदान का परिणाम होने लगा है। अब उसे घर ले जाना चाहिए। सरस्वती माता ने अपना काम कर दिया, हमें कुंभकर्ण से बचाया। नारायण नारायण। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ नारद जी। मैंने तो आपको कुछ समय के लिए बचाया है। रावण को तीनों लोक पर राज्य करने का वरदान मिल चुका है। आपको तो मालूम होना ही चाहिए कि वह कभी भी आप पर आक्रमण कर सकता है। आप लोगों को कोई बचा सकता है तो सिर्फ भगवान विष्णु। उनकी प्रार्थना करो, अब उनका अवतार लेने का समय समीप आया है। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि के कथन के अनुसार रावण ने तीनों लोकों पर हमला करके वो तीनों लोकों का राजा बन गया। देवता और ऋषि मुनि ये सभी भागकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। विष्णु ने दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिया। आदिशेष ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। उनकी किशोरावस्था में विश्वामित्र जी की त्राटिका राक्षसी से रक्षण करने के लिए वे उनके साथ चले गए। उनकी तपस्या में बाधा डालने पर श्री राम ने त्राटिका का वध कर दिया। इस कारण विश्वामित्र उन पर प्रसन्न हुए और वे उन्हें सीता स्वयंवर के लिए मिथिला ले गए।
श्री राम ने शिव धनुष उठाया और स्वयंवर जीत लिया और श्री राम का सीता के साथ विवाह हुआ। राजा दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा बना रहे थे, मगर उनकी तीसरी पत्नी कैकई को यह स्वीकार नहीं था। दशरथ ने कैकई को दो वरदान दिए थे, उसका इस्तेमाल करके उसने भरत को राजा बनाने और श्रीराम को वनवास में भेजने की इच्छा राजा दशरथ को बताई। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर चले गए। वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा श्रीराम पर मोहित हो गई, मगर श्रीराम का सीता के प्रति प्रेम देखकर उसने सीता पर हमला कर दिया। इसीलिए लक्ष्मण ने उसका कान और नाक दोनों काट डाले। उसने अपने भाई रावण से इसकी शिकायत की। रावण ने सीता के अलौकिक सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने मारिच नाम के राक्षस का श्रीराम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया और वह सीता को भगाकर ले गया। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की। श्रीराम जब सीता की खोज में थे, वे सुग्रीव से मिले। बाली का वध करके श्रीराम ने उसे वानर सेना का राजा बनाया। वानरों ने सब जगह सीता की खोज की। हनुमान लंका में पहुंचे और सीता से मिले और इसके बारे में उन्होंने श्रीराम को बताया। वानरों की सहायता से समंदर पर पुल बांधा गया। विभीषण ने रावण से सीता को छोड़ देने की विनती की, लेकिन रावण ने मना कर दिया और वह श्रीराम से जाकर मिला। श्रीराम और उनकी वानर सेना ने लंका पर हमला किया और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रावण की ओर से बहुत से शूरवीर योद्धा थे, मगर राम लक्ष्मण के आगे असहाय हो गए। बहुत से वीर मारे गए और खुद रावण को युद्ध में लड़ना पड़ा। पहले ही दिन श्री राम ने उसे पराजित किया और उसे भागना पड़ा। रावण को कुंभकर्ण की कमी अब महसूस होने लगी, लेकिन कुंभकर्ण को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे रणभूमि से भागना पड़ा है, अब मैं क्या करूं? वो दोनों भाई पराजित होंगे ऐसा नहीं लगता। क्या मैं सीता को छोड़ दूं? असंभव, इससे तो मैं कायर कहलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे जीने से तो युद्ध भूमि में मैं मरना पसंद करूंगा। महाराज, क्या मैं आपको कोई सुझाव दे सकता हूँ? मैं कभी शरण नहीं जाऊंगा, ये मुझे कभी मत बताना। महाराज, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। अगर हम निश्चित ही जीत सकते हैं, तो हम शरण क्यों जाए? क्या हम जीतेंगे? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? हाँ, मेरे विचार से कुंभकर्ण। हाँ महाराज, क्योंकि कुंभकर्ण में सहस्त्र हाथियों का बल है, इसीलिए कोई भी सेना उनका मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, ये सच है, मगर वो तो गहरी नींद में है। तो उन्हें जगाना पड़ेगा महाराज। जगाना पड़ेगा? असंभव। मगर महाराज, वही एक अपनी उम्मीद है। अगर हमने उन्हें जगाया तो वे श्री राम और उनकी वानर सेना को पराजित कर सकते हैं। सोच लीजिए महाराज। सच कह रहे हो तुम, बिल्कुल सच कह रहे हो। जाओ कुंभकर्ण को जगाओ, वही हमें जीत दिलाएगा। मैं उन्हें जगाने के लिए एक छोटी सी सेना का प्रबंध करता हूँ महाराज।
उसकी नाक की तरफ खींचे जा रहे हैं। हमें उनके सिर तक जाना ही पड़ेगा। मगर वो सांस लेते ही हम भाग कर फिर वहीं पहुंच जाएंगे। नहीं, लेकिन हमें कुछ करना ही पड़ेगा। जाओ चंदन की भुक्ति को पानी में भिगो कर ले आओ और उनके बदन पर डालो, इससे वे जल्दी जाग जाएंगे। ओ कितनी अच्छी कल्पना है, अब तो जीवन भर मेरे शरीर से चंदन की खुशबू आएगी। अगर तुम्हारे पास इससे अच्छी कोई योजना है तो बताओ। हाँ, हम उसके बदन पर चढ़कर उसके पेट पर नाचेंगे। चलो चलो जल्दी प्रयास करें। चलो शुरू करो। मैं एक सुझाव दूँ आपको, मेरे ख्याल से हम उन्हें पेड़ के बुंदों से मारेंगे और फिर भी नहीं जगे तो हम उनके ऊपर हाथी चलाएंगे। चलो 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 हाथियों को, हाथियों को ऊपर चलो, ऊपर लेके चलो, चलो चलो कितनी देर लगाते हो तुम। तुम्हारा हाथी तो कुछ काम का ही नहीं, क्यों लाया हूँ यहाँ पे। चलो चलो देखना देखना, अरे देखना चढ़ाई बहुत है, आगे बहुत चढ़ाई है। कितना कितना तू कितने बार तुम्हें कहा है, मत बीच बीच में आया करो। ओह अब आगे क्या, आगे आगे उनके पैरों को हम आग से जला के देखते, शायद वो जग जाए। ओह पता नहीं ये तरकीब काम करेगी भी या नहीं, चलो देखते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। आग संभाल के जरा, देखो आग मुझे ना लगे। अरे मुझे आग लग रही है भैया, बाजू में हटो ना, संभाल के। अरे आग लगाओ, ये क्या हो रहा है महाराज, हम उन्हें जगा नहीं सके महाराज। तुम उसे जगाने के चक्कर में सारी सेना मरवा डालोगे। उसे जगाने का सबसे अच्छा उपाय है खाना, खाना तैयार करो, उसकी खुशबू से ही वो जाग जाएगा। अरे ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। मुझे जगाने की हिम्मत किसने की महाराज? आपके भाई सम्राट रावण ऐसा चाहते थे, वो आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। ओ मुझे मेरा खाना समाप्त करने दो, बाद में चलता हूँ। क्या कमाल है, मैं अपनी जिंदगी में इतना खाना नहीं खा सकता। अरे उसे देखना भी एक आश्चर्य समझ लो। काश मैं इतना खाना खा सकता, मेरा तो पेट ही फट जाता। क्या हुआ बंधु, आप बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्या किसी ने आपको कष्ट दिया है? मैं उसे समाप्त कर दूंगा।
एक स्त्री के लिए तुमने ये सब किया? एक राजा को ये शोभा देता है क्या? सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वह बेहद खूबसूरत है। तुम अपनी इच्छाओं के लिए कितने लोगों की जाने लोगे? श्री राम के बारे में तुमने मुझे जो बताया, इससे वे कोई सामान्य पुरुष नहीं लगते, वे जरूर भगवान विष्णु के अवतार लगते हैं। हाँ, वो कोई अवतार नहीं है, वो एक सामान्य मानव ही है, बिल्कुल हमारी तरह। मुझे नहीं लगता ऐसे अवतारी मानव को पराभूत करना किसी को संभव नहीं है। भैया, तुम ये जिद छोड़ दो। खबरदार कुंभकर्ण, मेरे दुश्मन की तारीफ मत करो। जो हो गया सो हो गया, तुम सीता को छोड़ दो भैया, और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दो। मेरा कहना मानो भैया। क्या तुम मुझे डरपोक और कायर समझते हो? पराजय स्वीकार कर क्षमा मांगने के लिए हिम्मत चाहिए भैया। मैंने तुम्हें सलाह नहीं पूछी कुंभकर्ण, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब युद्ध भूमि में जाकर मुझे विजय दिलाओ, और यही मेरी आज्ञा है। अब तुम कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं हो भैया, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें भले ही मेरी मृत्यु क्यों ना हो। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मुझे इस पर विश्वास नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला है भैया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। ओहो, तुम ऐसा मत कहो। मुझे विश्वास है कि तुम राम और उसकी वानर सेना को पराजित करोगे। हे प्रभु, आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। रावण ने कुंभकर्ण को नींद से जगा ही लिया। शायद वो ब्रह्मदेव के वचन भूल गया। अब कुंभकर्ण के जान को खतरा है। हाँ, वो एक गलत जगह में अच्छा इंसान है। भगवान, मुझे उससे बात करने का मौका दीजिए, शायद मैं उसका मत परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर इसकी संभावना कम है। मगर मुझे प्रयास करना ही होगा, आज्ञा दो। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भैया। कुंभकर्ण, मैं तुम्हें अच्छी हालत में देखना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए? जैसे कि आपको पता ही नहीं कि रावण ने मुझे मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। अगर तुम्हें पता है कि तुम श्री राम को नहीं हरा सकते, तो तुम यहाँ क्यों आए? आज्ञा पालन भैया, आज्ञा पालन। फिर तुम श्री राम के पास क्यों नहीं आते? वो तुम्हें क्षमा करेंगे। तुमने हमेशा ही सत्य का साथ दिया है, मगर रावण मेरे लिए भगवान है, और उसके लिए धर्म के खिलाफ जाकर मैं युद्ध करूंगा। ऐसा मत करो बंधु, मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं देख सकता। पहले ही मैंने अपने प्रियजनों की मृत्यु देखी है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे। मुझे पता है, मगर हम एक दूसरे के खिलाफ है। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मेरी मौत से तुम्हें सच्चाई का पता चलता है, तो मैं हंसते हंसते मौत को अपना लूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रावण से भी बहुत प्यार करता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे भाई कुंभकर्ण, मैं तुम्हें रोकने के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ? नहीं नहीं विभीषण, मुझे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों से ही मृत्यु आएगी। तो तुम्हें सब पता है। हा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 ह
ए असुर, मुझसे युद्ध कर। और एक वानर। मैं वानरों का राजा सुग्रीव, मुझसे युद्ध कर। कर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे वो देखो वानरों के राजा। अब उसके राजा कहलाने के दिन समाप्त हो गए। ए, अपनी बड़बड़ बंद करो। हाँ और मजा देखो। खुद को छुड़ाना होगा। अगर रावण ने मुझे पकड़ा तो मेरी सेना युद्ध नहीं कर सकेगी और श्री राम का पराजय होगा। मैं क्या करूं? देखो वो छूट गया। एक वानर ने हमें बेवकूफ बनाया। वो क्रोधित हो गया। उसे क्रोधित होने दो, फिर वो वानरों को मार डालेगा। वो देखो हम पर हंस रहे हैं। और हम हंस रहे हैं? नहीं तो क्या वो देखो हम पर हंस रहे हैं। और करो और करो क्या? कितनी बार तुम्हें कहा है कि अगर ये रावण को पता चलेगा तो वो पौं छोड़ेंगे नहीं। मुझे पता था यही होने वाला है। देखो अब आगे क्या होता है। मैं इन सब वानरों को मार डालूंगा, एक को भी जिंदा नहीं रखूंगा। क्या तुम भगवान राम हो? मैं ही हूँ। प्रणाम प्रभु, आपके हाथों ही मेरी मृत्यु है। अगर तुम्हें पता चल गया है तो तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी एक विनती है प्रभु कि मेरा सर समंदर में जा गिरे और यही मेरी अंतिम इच्छा है। तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। हाँ अब युद्ध शुरू करें। अगर मेरी बात सुन ली होती तो यह दिन न देखना पड़ता। विभीषण, कुंभकर्ण बहुत बलवान था, पराक्रमी था। उसने जो किया उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। उसका नाम अमर रहेगा, युगो युगो तक उसका नाम अमर रहेगा।
इस प्रकार कुंभकर्ण का अंत हुआ। बाद में श्री राम ने रावण का भी वध कर दिया, उनका वनवास भी समाप्त हो गया था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या को लौट गए और श्री राम अयोध्या के राजा बने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।